नमस्कार दोस्तों, 100 दिन में एग्री बिजनेस क्वालिटी एक्सपर्ट बनी। दोस्तों, मेरी इस सीरीज के अंतर्गत आज मेरा 45वां एपिसोड है। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है आपकी एप्पल पे जो वैक्स होती है, क्या वो डेंजरस है हेल्थ के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा उस वैक्स के ऊपर जो कि एप्पल के ऊपर आर्टिफिशियली चढ़ाई जाती है। कुछ लोग उसको डेंजरस समझते हैं, आपने देखा हो कई वीडियोस सर्कुलेशन में होते हैं जो आपको बताते हैं कि हम क्या खा रहे हैं एप्पल में, ये विदेशी कंपनियां हमको मारने पे तुली हुई हैं। नेचुरल वैक्स क्या होती है, क्या फ्रूट्स अपने आप भी वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल वैक्स क्या होती है, क्या ये खतरनाक है या खतरनाक नहीं है, इसके क्या फायदे होते हैं, नेचुरल वैक्स के क्या फायदे हैं, आर्टिफिशियल वैक्स के क्या फायदे हैं, इससे क्या हेल्प मिलती है, इन सब के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। सवाल यह है कि दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब्स पर और काफी जगह आपने देखा होगा कुछ वीडियोस बड़े पॉपुलर हो रहे हैं जिसमें कि एक एप्पल के फ्रूट में एक आदमी चक्कू से वैक्स को रिमूव करता हुआ दिखाता है। वैक्स मोम की तरह बाहर आ रही है और आपको दिखाता है कि देखिए आप क्या खा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही पॉपुलर है, लोग उसको खा करके उसको देख करके डर जाते हैं कि हम सचमुच क्या खा रहे हैं, ये सब हमारे पेट में जाके जम जाएगा और हमारा क्या होगा, हमें कितना नुकसान पहुंचेगा। तो ये दोस्तों, ये जो वीडियो बनाते हैं लोग और ये जो प्रचार करते हैं, क्या वो सच है या गलत है, वो आज आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ये वैक्स क्या होता है। दोस्तों, भगवान ने, कुदरत ने फ्रूट्स को अपने आप वैक्स प्रोड्यूस करने का की क्षमता दी है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि अपने आप वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, एप्पल भी उनमें से एक है। इसके अलावा कुछ अलग अदर फ्रूट्स जैसे कि पियर है, नाशपाती है, प्लम है, अंगूर है, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी है, इन सब में भी वैक्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है। आपने इन फ्रूट्स के ऊपर व्हाइटिश कलर की थिन लेयर देखी होगी, व्हाइट कलर की, जिसको हम ब्लूम भी बोलते हैं। ये ब्लूम ही नेचुरल वैक्स है जो कि कुदरत ने प्रोवाइड की है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, भगवान ने तो ये दी थी वैक्स उस फ्रूट्स की सुरक्षा के लिए। भगवान बहुत कुछ देता है दोस्तों, जैसे हम लोगों को हमारे शरीर में सिर पे बाल दिए हैं तो बाल देने का कोई मकसद है कि हमारा जो सिर है बहुत डेलिकेट है, उसको किस तरह प्रोटेक्शन मिले। इस तरह भगवान जो कुदरत है वो फ्रूट्स पर भी मेहरबान है। फ्रूट्स को उसने एक ऐसी लेयर प्रदान की है जो अगर उस पर रहती है तो फ्रूट्स की लाइफ बढ़ती है। तो दोस्तों, ये जो वैक्स है धीरे धीरे जब प्रोड्यूस हार्वेस्ट पेड़ पे जब तक फ्रूट रहता है उस पर अटैच रहती है, उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद भी काफी समय तक उस पर रहती है। लेकिन जब फार्मर एप्पल को हार्वेस्ट कर लेता है तो उसको वॉशिंग करता है, धुलाई करता है, तो उसमें ये वैक्स निकल जाती है। तो उससे उस फ्रूट की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो नेचुरल वैक्स है अगर उसको ना हटाया जाए तो उसको फ्रूट में किस तरह हेल्प करती है, तो उससे एक तो मॉइस्चर रिटेंशन में काम करती है,
जब तक उसके अंदर ऊपर ये वैक्स रहेगी, फ्रूट के अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा और फ्रूट्स बहुत क्विकली, बहुत जल्दी शिवल्ड नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका पानी तेजी से नहीं उड़ेगा, फर्मनेस को एनहेंस करती है। दूसरा इसका बेनिफिट है, फ्रूट फर्म रहेगा, क्योंकि फ्रूट में अंदर से जब पानी बाहर उड़ेगा तो उसकी फर्मनेस इफेक्ट होती है, तो जो नेचुरल वैक्स है फ्रूट की फर्मनेस को रिटेन करती है, मोल्ड ग्रोथ को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों जैसा आपको पता होगा फ्रूट्स आर वेरी सेंसिटिव टू द फंगल इन्फेक्शन, तो जब तक ये वैक्स रहती है फ्रूट्स में मोल्ड ग्रोथ नहीं होने पाती। इसके अलावा ये राइपनिंग को भी डिले करती है, फ्रूट जो है हार्वेस्टिंग के बाद जब हाई टेम्परेचर पे आते हैं तो उसमें राइपनिंग तेजी से होने लगती है, तो अगर ये वैक्स कोटिंग रहती है तो उसमें राइपनिंग को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। इसके अलावा बैक्टीरियल प्रोटेक्शन भी मिलता है, ये जो वैक्स है जो मोल्ड को ग्रोथ होने से रोकती है, इसके अलावा तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको रोकने में भी वैक्स ये सक्सेस होती है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनीज जो लोग हैं या फार्मर्स हैं या कंपनीज हैं वो एप्पल पे वैक्स क्यों इस्तेमाल करती हैं, वाई दे अप्लाई वैक्स ऑन द एप्पल। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि जब एप्पल पैक किया जाता है तो उसको वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, तो उस प्रोसेस में एप्पल का जो नेचुरल वैक्स है वो निकल जाता है, तो उस फ्रूट की शेल्फ लाइफ को एनहेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है, उसकी लाइफ एनहेंस करने के लिए, उसको मार्केटेबल बनाने के लिए, उसमें शाइन डेवलप करने के लिए ये नेचुरल आर्टिफिशियल वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फ्रूट की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है और फ्रूट्स बहुत अट्रैक्टिव और शाइनी दिखता है, जिससे उसकी मार्केटिंग भी बढ़ती है। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, उसमें जो वैक्स यूज की जाती है वो फूड ग्रेड वैक्स होती है, अथॉरिटीज द्वारा, USDA द्वारा, FSSAI द्वारा, ये सब परमिटेड है। उसके लिए जो इमल्सन यूज किया जाता है वो नेचुरल चीजों से बना हुआ है, उसमें कार्नोबा वैक्स यूज की जाती है। इसके अलावा दूसरे टाइप की जो वैक्स होती है जो कि शेलेक है और बीज वैक्स है जो कि मधुमक्खी से के छत्ते से निकलती है, ये सारी वैक्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि डेंजरस नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वैक्स है शाइनी अपीयरेंस देती है, लेकिन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के से पास हो जाती है, इसको आप पचा नहीं सकते, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होकर के अनटच होकर के निकल जाती है। सेम वे में जिस तरह की आप चिंगम खाते हैं, चिंगम खाते हैं और एक्सीडेंटली आपने चिंगम खा ली, आपके पेट में चली गई, तो क्या होगा आपको, कोई आपको नुकसान होगा, वो आपको बाकी सारे सिस्टम्स को बाईपास करके स्टूल में बाहर निकल जाएगी। तो सेम चीज इस वैक्स के साथ होती है, इसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको बिना किसी नुकसान पहुंचाए आपके सिस्टम से बाहर हो जाती है और आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। ये वैक्स परमिटेड है गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं उन सबका इंडिया आने के बाद FSSAI सैंपल लेता है और लैब में चेक होते हैं। तो अगर ये वैक्स डेंजरस होती तो कौन अथॉरिटी है, कौन सी अथॉरिटी, कौन सी गवर्नमेंट है तो उसको परमिट करेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि ये वैक्स खाने से कोई बीमारी हो जाएगी, ये वैक्स बहुत डेंजरस है, इसे सेब को नहीं खाना चाहिए, उस वैक्स के चक्कर में आपने सेब खाना बंद कर दिया हो, ये आज आप दूर कर लीजिए। ये एडिबल वैक्स होती है, ये डेंजरस वैक्स नहीं होती, इसको आप खा सकते हैं, इस तरह आप चिंगम खाते हैं उसी तरह ये वैक्स होती है और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बगैर बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये वैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए।
दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। वैक्स लगाने से फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, फ्रूट्स की लाइफ इंक्रीज होती है, फ्रूट्स में फर्मनेस मेंटेन होती है, फ्रूट्स में शाइनिंग बढ़ती है। वैक्स किया हुआ एप्पल और एक अनवैक्स्ड एप्पल, इंडिया के अंदर लोग वैक्स यूज करते हैं कीनू में। आपने अगर कीनू ऑरेंज खाया होगा मार्केट से लेकर, तो आपने देखा होगा मार्केट में वैक्स्ड कीनू मिलते हैं और एक अनवैक्स्ड भी मिलते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप तुरंत ही जो वैक्स कीनू है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वही खरीदते हैं, और वो वैक्स कीनू जो है उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। इसी तरह एप्पल्स में, पियर में जिनमें वैक्स यूज की जाती है, वो भी उन फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ को एनहांस करते हैं, उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो लुक है, उसको कंट्रोल करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको शाइनी बनाती है, और उसका जो रेस्पायरेशन रेट है उसको स्लो डाउन करके, उसके अंदर का जो ट्रांसपरेशन है, रेस्पायरेशन है, उसको स्लो करके उसकी लाइफ को एनहांस करती है। तो ये जो वैक्स है, ये जो मिथ है आपके दिमाग में कि वैक्स जो है डेंजरस चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए उस एप्पल को जिसमें वैक्स हो, ये बिल्कुल गलत है। ये फ्रूट कोटिंग सभी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को, मोल्ड ग्रोथ को कंट्रोल करके, प्रोटेक्ट करके फ्रूट को, लाइफ को एक्सटेंड करती है। तो दोस्तों एप्पल्स डोंट रिक्वायर ए लॉट ऑफ वैक्स। अगर आप सुनेंगे कि कितनी वैक्स यूज होती है तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है इसका। जब आप इसको कोट करते हैं, एक पाउंड वैक्स, एक पाउंड जानते ना, आधा किलो से भी कम होता है, एक पाउंड वैक्स यूज होती है 10,000 एप्पल्स को ट्रीट करने में। तो इसका बहुत ही पतला सोल्यूशन बना के उस पर स्प्रे किया जाता है, उस कोटिंग का। तो आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है आज के बाद, और आप क्लियर रहिए अपने दिमाग में कि ये वैक्स डेंजरस नहीं है। ये आपकी फ्रूट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे फ्रूट आपके पास, आपके फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर रहे और खराब होने से बच सके। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस नए टॉपिक पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कुछ जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये पसंद आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ, कलीग से साथ शेयर कीजिए, और इंतजार कीजिए मेरे नए वीडियो का, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।